ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि बृहस्पतिवार रोहिणी नक्षत्र दिन भर लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सत्यवादी, मीठा बोलने वाले, धनी, आज्ञा मानने वाले और मेधावी होते हैं। यह सौम्य स्वभाव वाले, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, संगीत और फिल्म जगत में रुचि रखने वाले, सामाजिक और मान सम्मान के इच्छुक होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्र और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी अपनी उच्च राशि वृष राशि में ही चलते रहेंगे। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद मकर राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट करें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। वाणी में सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या अवरोध की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्ययोजनाओं का विस्तार होता रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और आपका परिश्रम सार्थक होगा। आज भी चंद्रमा वृष राशि पर ही चलते रहेंगे, मगर आज का दिन कल से बेहतर व्यतीत होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पिछले दिनों की अपेक्षा ऊर्जावान महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा। आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। सुख संसाधनों पर आज भी व्यय का संकेत मिलता है। अपने बुद्धि कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नई कार्ययोजनाओं के लिए आपके रचनात्मक प्रयास चलते रहेंगे और अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना आपके अंदर भी विकसित होगी, जो कि कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। मिथुन राशि के जातकों के धन संबंधी मामलों में आर्थिक खर्च की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी धन संबंधी मनोवृत्ति कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। नई कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे। शनि के वक्री होने से कुछ कार्यों में थोड़ा विलम्ब का संकेत मिलता है, मगर बृहस्पति की प्रेरणा से कार्य पूरे होते जाएंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके मेहनत की सार्थकता सिद्ध होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति चिंता बढ़ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मियों का विरोध संभावित है, जो कि आपके कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। नई कार्ययोजनाओं के विस्तार में मदद मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। कुछ मामलों में भाग्यवश लाभ के संकेत मिलते हैं, मगर कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है। शनि का वक्री होना आपकी दक्षता को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। त्वचा संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है।
और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्ययोजनाओं के लिए सहयोग जारी है, मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचना चाहिए। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। तुला राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है और आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। विवादित मामलों का निपटारा आज के दिन उचित नहीं होगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास संभावित है। नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी, हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। संतान संबंधित दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के वाणी में कड़वाहट की प्रवृत्ति विकसित होगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। व्यवहारिक तौर पर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। सामने वाले को आपकी भावनाओं को समझने में गलती हो सकती है, या यूं कहें कि आपके प्रस्तुत करने का तरीका सामने वाले को गलत लग सकता है। मगर कार्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन उचित होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। धनु राशि वाले जातकों की मनोदशा प्रभावित होने का अंदेशा बनता है। आपका ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी, मगर मन में एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। अनावश्यक धन खर्च की स्थिति सामने आ सकती है। खुश और प्रसन्न रहने की मनोवृत्ति में कमी आएगी। हालांकि कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्यतया बनी रहेगी। नई कार्य योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं और रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में गति आएगी और संबंधित मामलों में आपका ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र के विकास की अनुकूलता बनी रहेगी और मन मुताबिक विस्तार हो सकता है। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सान्निध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे, मगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। पहले की चली आ रही योजनाओं में रुकावट की संभावना बनती है। हालांकि आप अपने बुद्धि कौशल से उसको निपटाने में सफल हो सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा, मगर दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है। हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं, आपके थोड़े से प्रयास से काम बन सकते हैं, मगर सावधानी अपेक्षित है। योजनाएं बाधित हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा।
मकर राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, तो गेहूं का दान करना चाहिए। घर में कुछ गेहूं बोकर उन्हें सींचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो शनिवार के दिन पीपल के सामने तेल का दीपक जलाना चाहिए तथा तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल का दान करना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हों तो घर में काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है तो आग को दूध से बुझाना चाहिए तथा तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात लाभ के लिए संध्या के समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रातःकाल पीपल वृक्ष के समीप जाकर तेल चढ़ाना चाहिए। संतान सुख के लिए पवित्र जल लाकर उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पात्र को ढककर घर में रखना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए दूध को बहते हुए नदी में प्रवाहित करना चाहिए तथा विवाह के बाद पति या पत्नी को यह कार्य अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में निरंतर प्रगति के लिए जातक को मिट्टी के पात्र में तेल डालकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।